नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 51वां दिन है, मेरा 50वां दिन भी यहीं पे नरेश्वर के अंदर बीता, श्री गुरुदेव जी के आश्रम में। और यहाँ पर कल मेरी भेंट हुई मेरे पहले यूट्यूब फैन से, जो बड़ौदा से खास मुझे यहाँ पे मिलने आई थी। मैया को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक तो मैंने मेरा वीडियो अपलोड भी नहीं करा था कि मुझे पैरों में जो दिक्कत हुई जूतों की वजह से हुई, पर मैया से बात हुई और मैया को पता चला और मैया अपनी तरफ से मेरे लिए जूते लेके आई, उसके लिए मैया का बड़ा बड़ा धन्यवाद। नर्मदे हर। तो आज हम परिक्रमा को दोपहर में 2 बजे आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। आज हमने सोचा कि क्यों ना परिक्रमा को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। परसों शाम को मैं नालेश्वर में आ गया था और कल मैंने पूरा दिन यहाँ पे विश्राम करा, और अब जब नए जूते आ गए हैं तो सोचा कि 1-4 किलोमीटर या 8 किलोमीटर तक की परिक्रमा को आज आगे बढ़ाया जाए और इस जूते के साथ भी थोड़ा कम्फर्टेबल हो जाया जाए, ताकि ये जूते कहीं काट तो नहीं रहे पता चल जाए और आगे भी किसी तरह की परिक्रमा में कोई समस्या ना रहे। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद में थोड़ा आराम भी हो जाएगा और थोड़ा पैरों की वापस से एक्सरसाइज भी हो जाएगी, तो इन्हें भी काम पे लगाए रखना ज़रूरी है। बाकी वृक्षों की इन छाँव में बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा कि मैं दोपहर के 2:30 बजे इस धूप में चल रहा हूँ, और बड़ा ही आनंद आ रहा है। ठंडी ठंडी पवन है और बस थोड़े से वाहन आ रहे जा रहे हैं, पर बड़ा आनंद है। मैया तो साथ में हमारे चल ही रही हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। और मैया तो हमारे साथ में चल ही रही हैं, तो आनंद तो पूरा भरपूर है और बना हुआ है। तो चलिए प्रकृति के अंदर यूं ही आनंद में बढ़ते रहें, परिक्रमा को आगे बढ़ाते रहें। नर्मदे हर। की परिक्रमा के दौरान मुझे बोर्ड पे लिखा मिला कि यहाँ पे अंदर 5 मुख्य मंदिर हैं, जिसमें पंचमुखी हनुमान स्फटिक के शिवलिंग और शनि देव का मुख्य मंदिर है। पर जब मैं अंदर पहुँचा तो मुझे बस यही लग रहा था कि क्या ये वास्तविक में वही मंदिर हैं जिनका जिक्र नर्मदा पुराण में किया गया है। ये यहाँ पर मैं मंदिरों में तो गया, लेकिन ये जितने भी मंदिर थे ये सब नए बने हुए हैं, जो पुराने तीर्थ हैं वो नहीं थे। तो मैंने यहाँ के बारे में ज़्यादा बताया नहीं और मैं परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूँ। थोड़ी ही दूरी पे तपोवन आश्रम था, जहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करे। यहाँ के जो महंत हैं वो लठ लेके बाहर खड़े रहते हैं और किसी को भी भोजन किए बगैर नहीं जाने देते। अभी मैं पहुंच रहा हूं फतेहपुरा में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि एक तीर्थ है यहाँ पे। परिक्रमा के दौरान मैं आगे बढ़ा और जैसा कि मुझे गांव वालों से पता चला कि जो मुख्य तीर्थ स्थान है नर्मदेश्वर महादेव और पंचमुखी हनुमान, उनका सही स्थान या जो उनका पुराना मंदिर था जिसका जिक्र नर्मदा पुराण में करा गया है वो यहाँ पर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे कुछ वक्त बिताया जाए। नर्मदेश्वर महादेव का मुख्य शिवलिंग जो है मंदिर परिसर में है, और बाहर की तरफ में भी 2 शिवलिंग स्थापित हैं जिनके साथ में छोटे छोटे और 2 शिवलिंग आपको देखने को मिलेंगे। नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन कर मैं आगे
पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए बढ़ा। मुझे ऐसा बताया गया था कि आगे का मार्ग जो है मैया के साथ में है, लेकिन फिर मुझे लौट के आना पड़ा और सड़क मार्ग से ही अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाना पड़ा। सड़क मार्ग पर आगे बढ़ते समय मुझे सरकारी ये चेतावनी भी मिली कि यहाँ पे आपको लेपर्ड खुले घूमते नजर आएंगे, तो आप कुछ सावधानियां बरतें। साथ ही में रंग अवधूत महाराज के मंदिर से मैं पहुंच गया हूँ देरोली, और कहा जाता है कि यहाँ पर तैरते हुए शिवलिंग है। तो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करके शाम के 4:30 बजे मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। 2.5 घंटे का ये मेरा सफ़र रहा, 2.5 से 3 घंटे का, और बीच में मैंने आपको सभी आश्रम दिखाए। तो चलिए पहुँचते हैं देरोली आश्रम और देखते हैं तैरते हुए शिवलिंग, और आज का विश्राम भी हम यहीं करेंगे। धर्मदे हर। वहाँ से परिक्रमा का मार्ग आगे मैया के साथ साथ रहेगा, लेकिन अभी आज हम देरोली वकुल आश्रम में जा रहे हैं और यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इस स्थान की मान्यता है कि स्वामी देवपुरी यहाँ पे रहते थे और शिव भक्ति करते थे। स्वामी देवपुरी के जाने के बाद में ग्रामवासियों ने शिवलिंग को मंदिर में लाने की बहुत कोशिश करी, पर 2 दिन तक हिलाने के बाद शिवलिंग वहाँ से नहीं हिले। फिर एक संत के आंसू उस शिवलिंग पे गिरे और उस शिवलिंग को यहाँ पे ग्राम के अंदर स्थापित किया गया। वो मंदिर आपको गांव के अंदर देखने को मिलेगा। नर्मदा मैया में एक और शिवलिंग बहते हुए इस स्थान पर पहुंचा, जिसका वजन 7 किलो 700 ग्राम है। इसे भी यहां पे स्थान दिया गया और यहां पे इसकी प्राण प्रतिष्ठा करी गई। ये शिवलिंग आपको यहां बाहर की तरफ में बकुट आश्रम में देखने को मिलेगा, और ग्राम के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको पुराने शिवलिंग और जो पुराना मंदिर है वो देखने को मिलेगा। मैंने सोचा क्यों ना कि मैं शिवलिंग को हाथ से पानी में उठा के देखूं। वाकई में इसमें 7 किलो 700 ग्राम जैसा भारी वजन था, और जैसे ही मैंने इसे पानी में छोड़ा तो ये पानी में फिर से तैरने लगा। ऐसे एक और शिवलिंग आपको दक्षिण तट पे भी देखने को मिलेंगे। गांव के इस मंदिर में आपको ये पुराने शिवलिंग देखने को मिलेंगे, और साथ ही में कृष्ण जी का भी ये मंदिर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको छोटे छोटे शिवलिंग के साथ में कृष्ण जी के ये बालावतार वाले रूप देखने को मिलेंगे। आज रात्रि मैंने यहीं पे विश्राम करा और अगले दिन मैं परिक्रमा को यहाँ से आगे बढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।